एक बार कुछ साधु संतों का दल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं। वे पैदल चलते हुए कैलाश की बर्फीली वादियों में पहुंचते हैं। फिर अचानक वहां तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है और इतने में ही संतों की सभी दल एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उन सब साधुओं के दल में एक साधु ऐसा था जो हर वक्त शिव शंभु का नाम जप कर रहा था। इतने में कैलाश पर्वत के पहाड़ियों में से एक तेज रोशनी निकलती है और वहां पर एक गुफा का निर्माण होता है और उस तेज रोशनी के वेग से उस गुफा से एक नन्हा सा योगी बाहर आता है और उस साधु को अपने साथ अंदर ले जाता है। वो संत जैसे ही अंदर पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके के अंदर उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उस घटना ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। आखिर उसे वो नन्हा योगी खींचकर अंदर क्यों ले गया? उस साधु ने अंदर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए? दोस्तों, ये घटना सच्ची है और दिमाग को हिला कर रख देने वाली है। इस घटना को सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि हिमालय की शांत दिखने वाले पहाड़ के अंदर इतना कुछ है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी नाइन यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे भारतवासियों को ये बहुत कम पता है कि पश्चिमी राजस्थान का सरहदी इलाका पुराने ज़माने से सिद्ध संत महात्माओं और मठाधीशों का गढ़ रहा है। इस पूरे रेगिस्तान इलाके में एक से बढ़कर एक सिद्ध योगी हुए हैं जिनके चमत्कार के किस्से आज भी सुने जाते हैं। इन्हीं में से एक थे महंत उर्दवदास, जिन्होंने 20वीं सदी में जैसलमेर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में रहकर भगवान श्री हनुमान जी का साक्षात्कार किया और दिव्य ज्ञान भी प्राप्त किया। कहते हैं कि उन्होंने पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया और अनेकों सिद्ध संत और रहस्यमय योगियों से मुलाकात की। उन्होंने अनेकों ऐसे चमत्कार को अपनी आंखों से देखा जिसके बारे में सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि महंत उर्दवदास चार धाम की यात्रा पर निकले थे। उनके साथ 8 से 10 संत महात्माओं व भक्त थे। उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने का भी निश्चय किया। कैलाश मानसरोवर के इलाके में पहुंचने के बाद उनका सामना एक भयंकर बर्फीली तूफान के साथ हुआ। सारे संगी यात्री इधर उधर बिखर कर भटक गए। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। ऐसे में नितांत अकेले चलते चलते बेहाल होकर महंत जी बर्फीली पर्वतों में भटक गए। मौत सामने दिखने लगी मगर महंत न विचलित हुए न घबराए। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया। इसी बीच भयंकर बिजली कड़की और रास्ते में विराटकाय पहाड़ में गुफा का द्वार खुला। इसमें से एक वामन रूप का नन्हा साधु, जिसका चेहरा दिव्य ओज से चमक रहा था और दाढ़ी जमीन को छू रही थी, वो बाहर निकला और महंत का हाथ पकड़कर फुर्ती से गुफा में खींच ले गया। उसके बाद गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अंदर जाकर महंत जी ने जो देखा वो अपने आप में अजूबा था। अंदर पूरा का पूरा गांव बसा हुआ था। संतों के आश्रम थे और सैकड़ों साधुओं की जमात अलग अलग ढंग से तपश्चर्या में लीन थी। महंत उर्दवदास को वहां सुगंधित कुटिया में ठहराया व औषधियों का रस पिलाया गया। इससे उनमें तुरंत फुर्ती आ गई। वही आश्रम में ही उनके खाने पीने व विश्राम आदि की सारी व्यवस्थाएं चलती रही। वामन वेश वाला साधु वहां पर उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। 4 दिन बाद वो साधु फिर से दिखा जो उन्हें गुफा में ले आया था। उस साधु ने महंत को वापस गुफा के बाहर लाकर छोड़ दिया और हाथ के इशारे से सीधा रास्ता बता दिया। महंत ने वापस मुड़कर देखा तो ना गुफा थी और ना ही वो साधु था। इस अलौकिक घटना ने महंत के मन पर गहरा असर डाला और वे पहले से भी अधिक भक्ति भाव में रम गए। महंत उर्दवदास महाराज पर हनुमान जी की पूरी कृपा थी और ऐसे में जब जब कोई संकट आता उनके संकट का हनुमान जी अपने आप ही निवारण कर देते। एक बार की बात है जब महंत को राजकाज से जुड़े लोगों ने परेशान करना व परीक्षा लेने की ठानी। इस पर महंत को बेवजह परेशान करने वाले अफसरों के आवासों पर बंदरों ने हमला बोल दिया व रात भर उत्पात मचाया। सवेरे बाबा से माफ़ी मांगने पर वो बंदर का झुंड पता नहीं कहाँ गायब हो गया। महंत उर्दवदास इस मंदिर परिसर से कभी बाहर नहीं निकलते थे। उनके लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर का छोटा सा परिसर ही उनकी दुनिया थी। सन 1963 से लेकर 1964 की बात है जब यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा। उस समय धाम पर 400 गायें थी जो दिन भर चढ़ाई के बाद जब लौटती तो थकी हारी व भूखी दिखती थी।
कारण पूछने पर ग्वालू ने बताया कि बरसात नहीं हो रही है, ना घास है ना पूरा पानी है, भीषणतम अकाल पड़ा है, ऐसे में गायों की हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही गौभक्त सन्यासी उर्दवदास महाराज अत्यंत व्यथित हो उठे और इस बात पर गहरा अफसोस जाहिर करके कहा कि गाय भूखी है और मैं खाना खा रहा हूँ। उसी क्षण उन्होंने सारे भक्तों को बाहर निकालकर अन्न व जल त्याग करके भगवान हनुमान जी के समक्ष अनशन शुरू कर दिया। सच्चे भक्त की करुण पुकार भगवान ने सुनी और उसी रात खूब बारिश हुई। बाबा के भक्तों ने सवेरे दरवाज़ा खटखटाया व बताया कि बाहर देखो बरसात हो गई है। तब पूरी तरह संतुष्ट हो जाने पर ही बाबा ने अपना अनशन तोड़ा। दोस्तों, जब ये घटनाएं किसी लेख या वीडियोस के माध्यम से हम सबके सामने आती है तब जाकर हमें इन रहस्यों का पता चलता है। परंतु ऐसे कई सच्चे किस्से और कहानियां हैं उन दिव्य संत महात्माओं की जिनका साक्षात्कार कई लोगों ने हिमालय में किया है। उनके अनुभव सिर्फ उन तक ही है। अगर आप भी ऐसे कोई सच्ची घटनाओं के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।